हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यशोदा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा शॉपिंग ब्लॉग है और ये 1 महीना पुराना ब्लॉग है। मैं आपको पहले बता देती हूँ क्योंकि मैं 1 महीने पहले शॉपिंग करने गई थी, करोल बाग मार्केट में गई थी, तो ये वहीं की वीडियो है। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा कि वहाँ के जो रेंज है बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत महंगी है वो मार्केट। ऐसा नहीं है, मार्केट तो हर कोई महंगी होती है। इतनी सस्ते पे सस्ते रेट में कहीं नहीं मिलता कि बिल्कुल ही सस्ते में आपको कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब ये है, सही रेट में मिल जाता है वहाँ पे और अच्छी चीज मिलती है, कोई खराब नहीं मिलती। क्योंकि ज्यादातर शॉपिंग वहीं से करती हूँ और मुझे पता है वहाँ कितनी अच्छी चीज मिलती है, कितनी अच्छी चलने वाली चीज होती है। जो दिल्ली में रहते हैं, जो वहाँ की शॉपिंग करते होंगे, उन्हें पता होगा। वैसे नई सड़क भी बहुत अच्छी है, बहुत सारी शॉपिंग, मतलब बहुत सारी मार्केट है यहाँ दिल्ली में, एक से बढ़कर एक मार्केट है। लेकिन मैं हमेशा जो है वहीं की शॉपिंग करती हूँ, करोल बाग की। तो मैं वहीं की शॉपिंग आज आपको दिखाऊंगी और वहीं पे मैं आपको आज लेके जाऊंगी। तो आज मैं आपको जितना हो सकेगा वहाँ का दिखाऊंगी, मतलब कोशिश करूंगी कि आपके आपको प्राइस बता सकूँ वहाँ के और दिखा सकूँ, और रेंज वगैरह हर चीज। सबसे ज्यादा अच्छे वहाँ मुझे बच्चों के कपड़े लगते हैं, और बच्चों के कपड़े जो है बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं वहाँ पे, और कम भी कर लेते हैं। कोई ये नहीं है कि कम नहीं करें। जो दुकान वाले होते हैं जिन पे मैं हमेशा जाती हूँ, वो जो है रेंज थोड़ा कम कर लेते हैं। ये नहीं है कि जिस रेट में बोलेंगे उसी रेट में दें, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी चलती हूँ करोल बाग मार्केट में और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से किस रेंज में क्या लेके आई हूँ मैं आपसे। और चलिए चलते हैं मार्केट में, अभी मार्केट में जाके मिलती हूँ मैं आपसे। हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हमने लिए थे स्वेटर। तो स्वेटर जो है यहाँ पे हमें 300 रुपये की रेंज में मिले थे। तो दो स्वेटर मेरी बहन ने लिए थे और बहुत अच्छा कपड़ा है इनका, मतलब बहुत अच्छे स्वेटर मिल जाते हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी लिए हैं यहाँ से कई बार, बहुत चलते हैं अच्छे और बाद में धुलने के बाद भी ये ख़राब नहीं होते। तो ये कम नहीं करते स्वेटर वाले, 300 रुपये के बोले तो 300 रुपये के ही देते हैं, ये नहीं कि कम कर लें। इन्होंने वही रेट रखा था एक ही, और एक ही रेट में देते हैं। और यहाँ हम आ गए हैं, मैं मतलब मेरी बहन की जो बेटी है उसके लिए ड्रेस देखने आए थे, उसके लिए हमें ड्रेस लेनी थी। तो यहाँ पे हमें ये वाला सूट पसंद आया था। सूट तो उन्होंने बहुत सारे दिखाए थे लेकिन हमें यही पसंद आया था। लहंगे भी थे बच्चों के, सूट भी थे, फ्रॉक भी थी, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें थी, लेकिन हमें यही पसंद आया था। इसको मेरी बहन को जो है यही वाला लेना था। और ये जो दुकान वाले भैया हैं, इन्होंने मुझे कार्ड भी दिया था अपना, लेकिन वो कार्ड जो है खो गया है, क्योंकि मैंने वीडियो जो है बहुत मतलब पुरानी है वीडियो ये, तो वो कार्ड पता नहीं कहाँ रख के मैं भूल गई हूँ। नहीं तो मैं आपको इनका एड्रेस वगैरह देती। आप ज़रूर इनकी दुकान में जाइएगा, अगर मैं अगली बार जाऊँगी तो ज़रूर इनसे दोबारा से ये कार्ड लेके आऊँगी इनका। और आप ज़रूर जाइएगा इनकी दुकान पर, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। लेडीज़ आइटम रखते हैं बस ये, और जेंट्स आइटम नहीं थे इनके पास, लेडीज़ थे। लहंगे, सूट, चुन्नी, मतलब सूट वगैरह, लांचे वगैरह, जो भी कुछ ले लीजिए आप, लेडीज़ आइटम सारे थे यहाँ पे। साड़ियाँ नहीं थी बस, बाकी लेडीज़ आइटम सारे थे यहाँ पे। अगर साड़ी होती तो मैं यहाँ पे यहाँ से ज़रूर साड़ी लेती अपने लिए भी। मैं इससे पहले भी यहाँ पे आई हूँ सूट वगैरह लेने, शायद मैं अपना सूट ले गई थी एक बार यहाँ से और बहुत अच्छे रेट में मिल गया था, और दोबारा इसी दुकान पे आई थी। मुझे इतना याद नहीं रहता लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको याद रहता है हम कौन सी दुकान पे पहले आए थे, तो वो ले आते हैं उन्हीं दुकानों पर। और जो मेरे बेटे के लिए कपड़े लेते हैं हम एक ही दुकान से लेते हैं, वो तो मुझे हमेशा याद रहती है। तो मैंने इनसे पूछा था कि किस रेट में मतलब ये हैं ये सब सूट वगैरह, लाचे वगैरह, लहंगे वगैरह, तो इन्होंने बोला था 25% डिस्काउंट है। और ये नहीं है कि एक ही रेट है, एक ही रेट पे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, 100-200 रुपये कम कर लेंगे। और बहुत अच्छे प्राइस में, पहली बार तो आपको कम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे आपको यहीं पर। और यहाँ पे मैं हम आ गए थे अपने बेटे के लिए टिफ़न लेने के लिए, क्योंकि स्कूलों में आजकल जो है स्टील के टिफ़न बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक टिफ़न लेने आए थे स्टील का। दो बाज़ारों वगैरह में अच्छी चीज़ नहीं मिल रही थी, अच्छे टिफ़न नहीं मिल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम दुकान से ले लें। तो यहाँ स्टील के जो रेट इतने ज़्यादा थे कि पूछो मत, तो हमने सोचा हम क्यों ना मिल्टन का ही ले लेते हैं, स्टील से अच्छा। इसमें खाना थोड़ा गर्म भी रहेगा, गरम गरम खाना भी खाएगा और ठीक भी रहेगा ये। तो हमने थोड़े से मतलब इतना महंगा था स्टील वाला टिफ़न, तो हमने थोड़े से पैसे और लगा के मिल्टन का ले लिया था। बस इसका स्टील का जो अंदर सब्जी रखने वाला था वो स्टील का था,
बाकी टिफ़िन बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हम आ गए हैं अपने बेटे के लिए कपड़े लेने के लिए, तो मैं जो हूँ अपने बेटे के कपड़े इसी दुकान से लेती हूँ हमेशा, ये फिक्स दुकान है हमारी, हमारे बच्चों के कपड़े लेने के लिए, मेरे बेटे के जो कपड़े लेने के लिए फिक्स दुकान है। यहाँ पे सारे कपड़े जो है लड़कों के ही मिलते हैं, मतलब छोटे बॉय जो है उनके ही मिलते हैं। और बस मेरे को यही वाली ड्रेस पसंद आई थी, रेड वाली जो आपको अभी नज़र आ रही है खुली हुई, जिसका रेड रंग का कोटी है, वही पसंद आई थी मुझे। मुझे ये वाली भी पसंद आए थे, लेकिन ये वाले नहीं लिए थे हमने, वो वाले कपड़े लिए थे। ये आपको शादी में देखने को भी मिलेंगे ये वाली ड्रेस, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में कपड़े मिल जाते हैं। और ये जो है कम कर लेते हैं, यहाँ पे जो है रेट जो है 1900 1500 से तक हैं, लेकिन ये सही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब 900 800 900 800 1000 दो मतलब 1500 के आसपास के हैं। जितना अच्छा आप लोगे निकलवाओगे उतना अच्छा ही आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे ये जो है टी शर्ट वगैरह थी बच्चों की, गर्म है थोड़ा, सर्दियों का आ गया था मतलब सर्दियों के हिसाब से आ गए थे कपड़े बच्चों के, तो ये 500 रुपये के दो थे और बहुत अच्छी कपड़े में थे ये टी शर्ट वगैरह, और थोड़ी सी गर्म भी हैं। तो ये भी हमने शायद ली थी, दो ली थी ये हमने, बहुत अच्छी थी 250 रुपये की। लेकिन ये रेट कम नहीं करते, ये वाले जो पटरी पे थोड़े बाहर जो लगा के बैठते हैं वो कम नहीं करते, दुकान वाले थोड़े कम कर लेते हैं, क्योंकि हम उनके जो फिक्स रहते हैं कि हम उन्हें पता होता है कि ग्राहक हमारे पास हमेशा आता है, तो वो कम कर लेते हैं, बहुत अच्छे रेट में दे देते हैं हमें कपड़े। यहाँ बच्चों के कपड़े लेने के लिए मैं आपको हमेशा मतलब बोलूँगी कि बच्चों के कपड़े आप ज़रूर लेने आइएगा, बच्चों के कपड़े आपको बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बाकी बड़े जनों की जो साड़ी वगैरह हैं उनके लिए मैं आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आते, तो मैं आपको कैसे बोल दूँ कि आप साड़ी वगैरह भी यहीं से लीजिए। साड़ी के लिए तो नई सड़क वगैरह और बहुत अच्छी अच्छी मार्केट हैं और वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये मार्केट जो है साड़ी के लिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी। अगर आप इकट्ठी लोगे 12 15 16 तो शायद आपको सही रेट लगा लेंगे, लेकिन अगर आप दो या तीन लेने जा रहे हो तो आपको ठीक रेट नहीं मिलेगा साड़ियों का, बहुत महंगे रेट में मिलेगी। तो ये साड़ियाँ मुझे जो दिखा रहे हैं ये 2500 से चालू थी, और मुझे इन साड़ियों में ऐसा नहीं लगा कुछ कि 2500 रुपये की साड़ी होगी, बहुत हल्की साड़ी थी, खाली नेट ही था, थोड़ी सी कढ़ाई थी ऊपर। अगर हम शायद किसी और मार्केट से लेते तो हमें 1200 1300 रुपये में पड़ जाती साड़ी, और ये 2500 से चालू थी, और इन्होंने ज़्यादा कम भी नहीं करे थे, मुश्किल से 200 या 200 250 रुपये कम करे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं कम करे। और मैंने जो साड़ी अपने लिए पसंद आई थी मुझे, वो साड़ी मुझे 2900 रुपये की पड़ी थी, और इन्होंने मुश्किल से 100 रुपये भी कम करे मतलब नहीं कम करे होंगे इन्होंने। और अभी जो लास्ट वाली साड़ी दिखाएंगे वही मुझे पसंद आई थी, और वो मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गई थी, बाकी ये कलर मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे। बस यही जो साड़ी अब खोल रहे हैं ये वाली मुझे पसंद आई थी, और ये कलर मेरे पास था भी नहीं तो मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ पे जो है दुकान में ये कलर इतना प्यारा लग रहा था और चमक भी बहुत थी इसमें, लेकिन घर की जो लाइट में मैंने जब देखा जाके तो बिल्कुल भी चमक नहीं थी। लेकिन इतनी दूर चेंज करने कौन आया, तो मैंने छोड़ा रहने दो, मैंने कहा कि मतलब मैंने रख ली इस साड़ी को, और ये साड़ी मुझे 2900 रुपये की पड़ी थी, लेकिन 2900 वाली कोई बात नहीं थी इस साड़ी में। तो मैं साड़ियों के लिए नहीं बोलूँगी आपको कि साड़ियाँ लेने आइए, लेकिन बच्चों के कपड़े सैंडल जूते वगैरह आपके लिए बहुत अच्छी मार्केट है उसके लिए ये। तो यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए जूते भी लिए थे, जूतियाँ शादी के लिए ही, हम शादी की शॉपिंग ही कर रहे थे, हमारे घर में एक शादी थी तो हम उसी की शॉपिंग कर रहे थे, उसी की शॉपिंग करने आए थे 1 महीने पहले हम। बीच में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा हुआ था कि इस कारण मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पाई, और अब मैं जितनी भी मेरी पहले की वीडियो है मैं डालूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जूतियाँ जो हैं 400 500 1000 मतलब 5000 तक की रेंज में थी यहाँ पे जूते, बच्चों के बड़ों के यहाँ पे सबके थे, मतलब इस दुकान में जो है मैं पहली बार आई थी, और ठीक ठाक रेट थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये थोड़ा अंदर को पड़ती हैं दुकानें जहाँ हम गए थे, ये बिल्कुल रोड पे नहीं पड़ती, थोड़ा अंदर को जाके पड़ती हैं ये दुकानें। तो फ्रेंड्स अगर हमारी ये शॉपिंग ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन आएगा प्लीज़ उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, बाय बाय।